हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 3, जो कि है योगा, उसके इम्पॉर्टेंट नोट्स जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके आप स्क्रीनशॉट लेके अपने लिए एक अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने अपकमिंग एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर के थ्रू आपको क्या क्या लर्न करना है। स्टूडेंट, मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा, एलिमेंट्स ऑफ योगा, इंट्रोडक्शन, आसना, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योगिक क्रियाज, योगा फॉर कंसंट्रेशन एंड रिलेटेड आसना, सुखासना, तड़ासना, पद्मासना, शशांकासना, नौकासना, वृक्षासना, इसको ट्री पोज, गरुड़ासना, ईगल पोज के नाम से जाना जाता है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन, योग निद्रा। तो अब हम नेक्स्ट वन शेयर करते हैं यहाँ पे आपसे स्टूडेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप योगा को सब बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लाइटली यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। मीनिंग और डिफिनीशंस, आप इन सब का इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एलिमेंट्स ऑफ योगा, देन उसके बाद इंट्रोडक्शन टू आसनाज, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योगिक क्रियाज। आसनाज क्या है, प्राणायाम क्या है, उसके इंट्रोडक्शन यहाँ पे। देन योगा फॉर कंसंट्रेशन एंड रिलेटेड आसनाज, जैसे सुखासना, तड़ासना, पद्मासना, शशांक आसना, इसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। वन बाय वन आप देख सकते हो, सुखासना द इजी सिटिंग पोज ना जिसको बोलते हैं। देन नेक्स्ट वन तड़ासना, सबका स्क्रीन शॉट ले लीजिए स्टूडेंट आप लोग और इससे अपनी अच्छी नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। देन नेक्स्ट वन यहाँ पे शशांक आसना, इसको हेयर पोज भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। देन पद्मासना, वन बाई वन बहुत शॉर्ट फॉर्म में इन सबको एक्सप्लेन किया गया है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन नौकासना, देन उसके बाद वृक्षासना और ट्री पोज, यहाँ पे गरुड़ासना पिक्चर दी गई है। देन रिलैक्सेशन टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन एंड योग निद्रा। देन उसके बाद यहाँ पे रिलैक्स योर सेल्फ विथ योग निद्रा एज रिस्टोरेटिव एज स्लीप। अब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं स्टूडेंट इसमें, एमसीक्यू टाइप के और स्क्रिप्टिव, इनका भी अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। देन शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे 3 मार्क्स के, कभी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट टोटल आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 3 योगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे आप अपनी एक अच्छी नोट्स प्रिपेयर करके अपने अपकमिंग एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।